हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एडीएस के अंदर सेव द डेट का टाइटल। तो दोस्तों, पहले हम टाइटल को देखेंगे, बाद में उसको कैसे एडिट करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा टाइटल का डेमो। तो हम इस टाइटल को कैसे एडिट करते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले इसको हम करते हैं बंद। बंद करने के बाद ये जो डेस्कटॉप पर सेव द डेट का फोल्डर है, इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले 422 MB का है, तो इसके लिए हमको पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों WinRAR की ज़रूरत होती है, तो गूगल पे आप टाइप करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको हम पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, ये फोल्डर हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, इसके अंदर एक फोल्डर होगा फॉन्ट का, ये फॉन्ट हमें इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, क्लोज करेंगे। अभी हमको दोस्तों एडीएस ओपन करना है। तो दोस्तों, एडीएस कोई भी हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, ये प्रोजेक्ट सभी में चलेगा। तो मेरे पास 7 है, तो मैंने एडीएस 7 ओपन कर लिया है। अभी दोस्तों ओपन प्रोजेक्ट पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करके हमारा जहाँ पर भी प्रोजेक्ट है, मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को मैं खोल दूंगा। तो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ठीक है, अभी इसको एडिट कैसे करना है, तो यहाँ पर रूट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने सब टाइटल के पेज लगाए हुए हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो है वहाँ पर जो भी फोटो इसके अंदर यूज हुए हैं वो फोटो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे कि मेरे को ये वाला चेंज करना है, लड़का और लड़की का नाम, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है हर्ष हर्ष एंड रिया, इसको मैं सेव कर दूंगा। सेंटर में लाके इसको मैं सेव कर दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये लड़का और लड़की का नाम चेंज हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से टाइटल चेंज कर सकते हैं। अब हम फोटो चेंज करेंगे, तो फोटो चेंज करने के लिए हमको न्यू फोल्डर में जाना है। यहाँ पर मैंने 3 फोटो दिए हुए हैं, आप
किसी भी फोटो को ओपन कर लो। ओपन करने के पहले यहाँ पर डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद मेरा जैसे कि फोटो है, ये फोटो है, तो ये फोटो मैंने लिया, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फोटो पे राइट क्लिक करके कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद जैसे कि मुझे यहाँ पर इस फोटो को डालना है या तो फिर यहाँ पर डालना है, तो राइट क्लिक करके रिप्लेस में जाना है। रिप्लेस में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा क्लिप और शिफ्ट आर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा फोटो चेंज हो गया है। अभी हमको इन्फॉर्मेशन में जाके लेआउट पर डबल क्लिक करके यहाँ से फोटो को सेट करना है बस। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो ये सेट कर दिया। ये फोटो को सेट कर दिया, फिर ओके। तो आप देख सकते हो दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टाइटल और किसी भी फोटो को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये टाइटल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा जो नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद।